गए आबू रोड और आबू रोड की हम खा रहे हैं, ये है रबड़ी बड़े का साइज देखो, और साथ में तली हुई मिर्ची और पाव। कितना सॉफ्ट है ये ना, बहुत टेस्टी लगता है मेरे को। वाइट खमन चटनी और कितना सॉफ्ट। बस सुबह गए हम दरगाह पे, पहले सबसे पहले हम दरगाह ही आ रहे हैं जब भी उसके आँख खुल रही है, तो क्योंकि आज वैसे भी हमारा लास्ट दिन है। हे एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द फेरी व्लॉग चैनल। सो गाइज, आज है हमारा लास्ट दिन अजमेर शरीफ में और सुबह के बज रहे हैं 8। मैंने पूरा खाना वगैरह जो था, पराठे वगैरह बनाना था, मैंने मटन का सालन बना के लिए, राइस वगैरह सब रेडी कर दी हूँ। अब मैं उतर रही हूँ नीचे, मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता करने के लिए। आज मैंने सोची नाश्ता ना मैं बाहर कर दूँ, क्योंकि लास्ट दिन है, हमेशा घर घर में ही नाश्ता हो रहा था। तो आज आपको मॉर्निंग में अजमेर शरीफ में कैसे नाश्ते मिलते हैं, क्या है, सारी डिटेल्स देती हूँ। मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहो, ट्रेन वगैरह की जर्नी कैसी होने वाली है सारी डिटेल्स दूंगी। ठेले पे भी आपको गर्मा गर्म नाश्ता मिल जाएगा, और सामने रही दरगाह, सब मार्केट लग रही है सुबह सुबह। सुबह सुबह गए हम दरगाह पे, पहले सबसे पहले हम दरगाह ही आ रहे हैं जब भी उसके आँख खुल रही है, तो क्योंकि आज वैसे भी हमारा लास्ट दिन है, तो दरगाह पहले जाना चाहिए हमें। तो सबसे पहले सुबह सुबह मैं आ गई हूँ जमील होटल, जो मैंने आपको बहुत बार अपने वीडियोस में बताई हूँ। यहाँ पे मैं आई हूँ आज सुबह सुबह पाया खाने के लिए, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा था कुछ ऐसे मटन का खाने का। मेरे को दूध वगैरह भी पीना है, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं खाऊँगी, थोड़ा लाइट से ही खाऊँगी, क्योंकि कल रात को है ना, मैं सच बताऊँ, मेरा एक तो मोबाइल का चार्जर बंद हो गया था आईफोन का, और फिर उसके बाद ना मार्केट भी सब बंद हो रही थी, पुलिस वाले बंद का दे रहे थे, तो इसके लिए ना मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें ना टेस्ट नहीं कर पाई थी। तो इसके लिए मैं सुबह सुबह निकली, अभी मेरे पास आधा एक घंटा है, तो जितनी भी चीज़ें मुझसे होगी ना मैं खा पी के मुकम्मल करूँगी, ताकि आपके साथ भी शेयर कर सकूँ क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। तो सबसे पहले अभी इंजॉय करनी है मटन पाया। मैं आ गया, देखो पाया, पाए के साथ मस्त तंदूरी रोटी के साथ ये मिर्ची वगैरह देते हैं, और ये गर्मा गर्म यहाँ के पराठे हैं। तो बस ये सब जो है सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट करके ले लेते हैं। ये नलिनी आ रही है, देखो बूदापुरा नलिनी आ रही में से इन्होंने ना निकाल के दिए, और इसका टेस्ट ना सबसे ज़्यादा ये पराठे के साथ आ रहा है। ये पराठा बहुत क्रिस्पी है और बहुत मज़ेदार है, और यहाँ पे तंदूरी रोटी भी मैंने मंगा ली हूँ। तो फाइनली गाइज, हम चेकआउट कर रहे हैं, ये रही हमारी होटल, और होटल से अब हमारी जो ट्रेन है वो मतलब एरोली करके है, और एरोली से हम जाने वाले मुंबई। तो ये एरोली एक्सप्रेस है जो वो अलग है, तो सब सामान वगैरह हमने नीचे उतार लिए, अब चलते हैं स्टेशन पहुँचते। जो अजमेर का सफ़र था वो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह से, थोड़ा थोड़ा दुख भी हो रहा है अजमेर जा रहे, इतने दिन से बाहर घूम रहे थे और अब जा रहे रिटर्न, तो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे सैड पना लग रहा है, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह जल्दी वापस आएंगे, वापस से एक फैमिली अच्छा टूर बनाएंगे और फिर वापस आएंगे घूमने के लिए। तो बस ये मेरी फैमिली वगैरह नीचे आ चुकी है, पूरा सामान वगैरह एक जगह इकट्ठा कर रहे, फिर उसके बाद पहुँचते स्टेशन, और स्टेशन पहुँच के मैं आपको मिलती हूँ। फाइनली हम लोग पहुँच गए अजमेर स्टेशन। चिया कहाँ जा रहे हैं? हम लोग घर जा रहे, तो हम लोग का लगेज वगैरह आ गया यहाँ पे, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये अजमेर स्टेशन, ये रिजर्वेशन ऑफिस है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा है, ये भी रिजर्वेशन लिखा हुआ है, ये देखो रिजर्वेशन ऑफिस है ये, और ये देख लो, ये बाहर पार्किंग वगैरह का एरिया है। ये है अजमेर स्टेशन, अजमेर जंक्शन, जहाँ पर आपको रिक्शा वगैरह बाहर आते साथ मिल जाएगी, और ये है अजमेर का बोलते ना स्टेशन। तो बस हम यहीं उतरने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो ट्रेन है यहीं आएगी, ट्रेन से यहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे अभी, और हमारी ट्रेन जो है एक घंटा लेट है एरोली, यहाँ पे देखो दिखा रहा है कि एरोली जो है एक घंटा लेट है, 1 बजे आएगी दिखा रहा है एरोली एक्सप्रेस। तो अभी अंदर चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे आएगी हमारी ट्रेन। तो फाइनली गाइस, देखो मेरे पीछे अजमेर स्टेशन, और हम लोग अजमेर स्टेशन पहुंच गए हैं। मैं सोची थी अजमेर स्टेशन पहुंच के मैं हल्का फुल्का और कुछ खा लूँगी,
पर फिलहाल के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है और चलते हैं अंदर। एक घंटा हमारी ट्रेन लेट है, बट कोई नहीं, अच्छा हम पहले आ गए। देखते हैं ट्रेन कौन से इस पे आने वाली क्या है। बाकी यहाँ पूरी फैमिली जो है मेरी आ चुकी है, सब निकल रहे घर वापसी के लिए। यहाँ पे रेलवे में स्टेशन पे नाश्ता, क्योंकि अभी जो हमारी ट्रेन है आने टाइम है। और ये भाई का ना ये पेटी समोसा बहुत अच्छा है, समोसा काफ़ी अच्छा लगा हमें, तीखा स्पाइसी टाइप में है। और ये ना ये मुझे बहुत टेस्टी लगता है, ये हमारे मुंबई में भी मिलता है। यहाँ पे फिलहाल आलू की स्टफिंग है और यहाँ पे भाजी पूड़ी लोग अभी टेस्ट करके देखेंगे। 30 रुपये प्लेट है, वैसे पूड़ी तो नरम है, छोले और आलू की पूड़ी है, देखो अच्छी है ना। अच्छी अच्छी है। तो हमारी ट्रेन है ना एक नहीं दो घंटा लेट है, और एरोली जो है ना हमेशा लेट होती है, फर्स्ट टाइम नहीं है। तो हम यहाँ नाश्ता करने रुक गए, इतना टेस्टी है। और ये मिर्ची इतनी तीखी है और बड़ी टेस्टी लग रही है। स्टेशन पे जैसे फूड्स होते हैं ना, हम लोग ने वहाँ से भी समोसा लिए, पूरा आलू सड़ा और अंदर ना इतना मीठा मीठा। फिर ये भाई को मैंने बोली और बनवाई, एक नंबर बना के दिए भाई ने, एक नंबर। ये मसाले वाला दूध पीने के लिए स्टेशन के बाहर, क्योंकि ना अभी स्टेशन में ट्रेन में टाइम है और मुझे ये दूध ना अजमेर शरीफ का पीना ही था। ये दूध ये देखो कुल्लड़ में, और ये ना अजमेर का फेमस रहता है। इसमें केसर वाला भी मिलता है, बट केसर वाला अभी फिलहाल है नहीं, इसके लिए हम लोग ना मसाले वाला दूध पी रहे हैं। तो है ना मुझे ना मसाले वाला दूध पीने का, केसर वाला दूध पीना था बट मुझे मिला नहीं, तो ये कुल्लड़ में ना मसाले वाला दूध मिल गया। टाइम था तो मैं सोची पी लेती हूँ, अब अजमेर शरीफ पता नहीं कब आना होगा। बहुत मीठा मीठा रहता है, और इसके साथ जलेबी खाओगे ना बड़ा मजा आ जाएगा। इतनी मलाई वलाई डाल के दी उन्होंने, शरीफ की मलाई चमचम, ये दो शेरनी, ये रसगुल्ला और ये सारी मिठाइयाँ। यहाँ पे भी बहुत किस्म की मिठाइयाँ मिलती है और बड़ी टेस्टी मिलती है। गुलाब जामुन, गाजर का हलवा, यहाँ पे ना गाजर का हलवा बहुत मिलेगा क्योंकि अभी गाजर का सीजन भी है, और ये मूंग दाल का हलवा। फाइनली हमारी ट्रेन आ रही है और हमारी ट्रेन पूरा 2.5 घंटा लेट है, और बहुत गुस्सा आ रही है क्योंकि हम लोग ना 2.5 घंटा ऑलरेडी जो है अपना होटल जो है जल्दी छोड़ दिए थे ये ट्रेन के चक्कर में। और ये हमारे सारे लगेज देखो कैसा पड़े, और अभी तक हमारी ट्रेन आई नहीं है। फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और हमारी जो ट्रेन है एलोली पूरा पूरा 2.5 घंटा जो है लेट है, ये देख लो। ट्रेन में और ये सब हमारी सीट रही, और आपा को देखो कैसा खड़ी है। और आते साथ ट्रेन में सबसे पहले मैंने ले ली चाय, क्योंकि ये ट्रेन वालों ने बनाई है, उनका मैं आपको ड्रेस दिखाती हूँ, तो ये हो सकता है अच्छी हो। ये देखो ये पूरे ट्रेन की जो IRCTC है ना, देखो IRCTC इन लोगों का ही पूरा फूड्स का है, तो होप्स तो ये अच्छी रहेगी, तो ये पी के मैं ट्राई करके बताऊँगी कैसी है। बाकी सीट वगैरह वैसी ही है नॉर्मली, स्पेस वगैरह अच्छा है, कंफर्टेबल है। हमें सबसे साथ में नहीं मिली, सब आगे पीछे हो गई है हमारी सीटें, ये देखो सब आगे पीछे हो गई है सीटें हमारी। पहुँच गए आबू रोड, और आबू रोड की हम खा रहे हैं ये है रबड़ी जो बहुत फेमस है, पूरी ट्रेन खा रही थी तो हमने भी ट्राई किया और इतनी टेस्टी है ना, तो अबू रोड की ये रबड़ी जरूर ट्राई करना। ये देखो और चिया को देखो, ए चिया ए चिया, चिया रबड़ी खाई, देखो ठंडी सी गंदी पड़ी है, ए चिया चिया रबड़ी खाई। मस्त है रबड़ी, ये देखो कितनी टेस्टी है, काजू बादाम वगैरह डाल के एकदम ड्राई फ्रूट डाल के लिए।
थोड़ी दही मिली हुई है पर टेस्टी लग रही है अच्छी। अबू रोड की जो बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी है। इधर आना मैम, ये रबड़ी जरूर ट्राई। और यहाँ की ना चाय भी बहुत अच्छी है, चाय भी हम लोग ने पी है। कहीं पे भी चाय अच्छी नहीं मिली, बट यहाँ चाय अच्छी मिली और रबड़ी बहुत अच्छी है। सो गाइस, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से हम पहुँच गए हैं मुंबई। मतलब मेरी पूरी फैमिली तो चली गई है, उनको मैंने एक बड़ी वाली जो टैक्सी होती है ना उसमें सामान वगैरह डाल के दे दी। अब मैं जा रही हूँ ट्रेन से, क्योंकि अंकल ने इतने सारे लोग को ले नहीं देते। वैसे ही मतलब बोलते ना, हर जगह इंसान ना ट्रैवलिंग में बर्बाद हो जाएगा, वही हाल है। तो बस अभी पहले चलते कुछ खाएंगे पियेंगे, बहुत ज़ोर से भूख लगती है, क्योंकि रात को जो मैं सोई हूँ ना, यकीन मानो मैं सीधा भी अब भी अंधेरी स्टेशन आए तभी उठी हूँ, मेरी आँख ही नहीं खुल रही थी, इतनी नींद आ रही थी। तो मेरा फेस वगैरह देखो कैसा हो गया, एकदम सादा सादा सा। फाइनली इतनी लंबी ट्रिप के बाद हम लोग मुंबई पहुंच गए। तो फाइनली हम पहुंच गए कुर्ला स्टेशन, और कुर्ला स्टेशन में इसीलिए आई हूँ, आपको पता है मैं इतना मिस की हूँ ना मुंबई का वड़ा पाव। तो मैंने सोची थी कि मैं उतरते साथ सबसे पहले वड़ा पाव खाने जाऊँगी। तो ये देख लो, जहाँ से मैं हमेशा कुर्ला स्टेशन से खाती हूँ वड़ा पाव, तो बस मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ से मैं खाऊँगी वड़ा पाव, और फिर यहाँ से वड़ा पाव खाने के बाद मैं जाऊँगी घर पे। ये देखो भाई, एक वड़ा पाव देना ना, वड़ा दही वड़ा समोसा, इनका बहुत टेस्टी होता है सभी। यहाँ पर लग साइज देखो, और साथ में तली हुई मिर्ची और पाव। ये तो मैंने ना सच में बताऊँ ना बहुत मिस की मुंबई का वड़ा पाव। यहाँ पे ना वाइट खमन भी मिलता है ऐसे, और चटनी और मिर्ची, कितना सॉफ्ट है ये ना, बहुत टेस्टी लगता है मेरे को वाइट खमन चटनी, और कितना सॉफ्ट।